नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और चलिए खबर झारखंड की शुरुआत अहम खबर से करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धनबाद की, जहां पर चाल धंसने के बाद कोयलांचल में हड़कंप मचा हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति का शव मिला है, जबकि लगभग आधा दर्जन लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक रात के 3 बजे गश्त के दौरान पुलिस ने इन्हें भगाया था, इन्हें दोबारा यहां पर लाया गया। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक दो नहीं बल्कि करीब 100 से 150 लोग खनन में लगे थे। धनबाद में धस गई चाल में फंस गई जिंदगी, वो आखिरी चोरी। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। कोयले की चोरी में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हादसे के बाद पुलिस जांच के लिए पहुंची, लेकिन तस्वीरें देखकर वो हैरान थी। हादसे में मौत के शिकार हुए लोगों को जैसे संभलने का मौका ही नहीं मिला, सांसें भी पूरी नहीं हो पाई होंगी। बीच में अटकी कई लोगों की सांसें, इंसानों पर गिरे हुए कोयले की चार, ये साफ साफ कह रही है। बताया जाता है कि पुलिस ने अहले सुबह दाखिल हुए कुछ लोगों को यहां से भगाया था, लेकिन मौत जैसे इन्हें यहाँ खींच लाई। काम कर रहे थे, उसी में यहाँ चाल धसने से घटना हो गई है, दुर्घटना। धनबाद का कपासरा आउटसोर्सिंग में अवैध उत्खनन जारी था। बताया जाता है कि 10 फीट दायरे में धसी चाल बुधवार सुबह लगभग 7 बजे हुआ हादसा। 100 से 150 लोग अवैध उत्खनन करने में जुटे थे। खदान में अचानक 10 फीट के दायरे में धसी चाल। जो लोग खदान के मुहाने पर थे भाग निकलने में कामयाब रहे, लेकिन करीब एक दर्जन हताहत हुए। कई लोगों के परिजन शव लेकर भाग गए, जिसके निशान भी कोयले पर दिखे। कई लोग अब भी दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। लेकिन सवाल है कि ईसीएल की चालू खदान में पुलिस की चौकसी के बाद भी अवैध खनन जारी क्यों था? मुझे जो लग रहा है यह सिचुएशन देखने के बाद, बिकॉज यहाँ बगल में लीगल माइनिंग चल रहा है और 10 मीटर भी नहीं है यहाँ इलीगल माइनिंग। ईसीएल हैज टू टेक कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी। उनका सीएसएफ फोर्स रहना चाहिए, ना उनका कोई इंटरनल सिक्योरिटी है, नोबडी इज देयर। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल ही रहे हैं, कहीं और कोई तो डेब्रिस के अंदर दबा हुआ नहीं है। और इसमें जो भी इसमें दोषी है, जो भी प्रबंधन का जो भी इसमें दोष है, जो कमियाँ हैं इसमें, उसको लेकर जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है उनके विरुद्ध कार्रवाई। बताया जाता है कि अवैध कोयला दामोदर नदी के मार्ग से केलिया सोल होते हुए रघुनाथपुर और बराकर नदी के मार्ग से जामताड़ा भेजा जाता है। इस हादसे के बाद पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। वहीं इधर 2 साल बाद गोड्डा के ललमटिया खदान हादसे के जख्म एक बार फिर हरे हो गए हैं, जब लापता 5 शवों में 2 के कंकाल मिलने की खबर आई। कंकाल किसका है, इसकी जांच जारी है। अफसोस है कि एक शव का सिर्फ सर मिला है। घटना आउटसोर्सिंग कंपनी महालक्ष्मी के साइट पर हुई थी, जिसमें अधिकतर कोयला खनन में उपयोग होने वाली मशीनों के संचालक थे। आउटसोर्सिंग कंपनी महालक्ष्मी के इंचार्ज और 2 सुपरवाइजर्स भी इसकी चपेट में आ गए थे। फिर लाल हुए ललमटिया के जख्म, 2 साल बाद मिले 2 नर कंकाल। किसके हैं दोनों कंकाल? गोड्डा में 2 नर कंकालों के मिलने से एक बार फिर ललमटिया हादसे की टीस उठी है। मलबे में दबे 5 लोगों में से 2 साल बाद 2 लोगों के कंकाल मिले हैं। ये कंकाल आखिर किसके हैं, इसकी जांच जारी है, क्योंकि एक का पूरा कंकाल मिला है, जबकि दूसरे का केवल सिर। पीड़ित 5 परिवारों के डीएनए जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये हैं कौन। तारीख 29 नवंबर 2016। चाल धसने से 23 मजदूर दबे थे। इधर धनबाद में हुए हादसे के बाद अवैध खनन को लेकर प्रशासनिक चौकसी पर सवाल उठ रही है। 2018 के नवंबर तक के आंकड़े बताते हैं कि धनबाद में 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की अवैध खनन के दौरान मौत हो चुकी है। मौत के खदान पर आखिर नकेल कब? कोयले के अवैध खनन पर झारखंड डीजीपी का आदेश। कारोबार के खिलाफ थाना प्रभारी और एसपी पर होगी कार्रवाई। तो क्या इस मामले में दोनों अधिकारियों पर होगी कार्रवाई? थाना प्रभारी जैसे बता रही है कि करीब 3-4 बजे
आके सभी को भगाई थी जो अवैध उत्खनन वाले को। उसके बाद फिर पुलिस जाने के बाद फिर लोग यहाँ आके घुस गए। इस पर उचित कार्रवाई होगी, जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। धनबाद पुलिस आए दिन चोरी के कोयले पकड़ती है। कई हार्ड कोक भट्टे और अवैध ढंग से चलाए जा रहे डिपो पर छापेमारी करती है। पुलिस को इस दौरान माफिया के गुस्से का भी शिकार होना पड़ता है, क्योंकि ये कोयला भर नहीं काला सोना है, जिसके लिए जिंदगी भी लोगों को कम जान पड़ती है। गोड्डा से राघव और धनबाद से नितेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 28 जनवरी को जेपीएससी मेंस की परीक्षा होगी या नहीं, जवाब अब 25 फरवरी को हाईकोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पीटी के रिजल्ट में भारी धांधली हुई है और इसलिए रिजल्ट को निरस्त कर दिया जाए। इस मामले की सुनवाई आज टल गई। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टलने के बाद 28 फरवरी को होने वाली जेपीएससी की परीक्षा पर संशय गहरा गया है। चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस रत्नाकर भंगरा की डबल बेंच में जेपीएससी मामले को लेकर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से सुनवाई के लिए कोर्ट से और समय का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने मान लिया और अगली तारीख 25 जनवरी तय की गई है। जेपीएससी का मामला सरकार की ओर से हमारा पक्ष यह है कि जो प्रावधान किए गए हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो शामिल हों परीक्षा के लिए, और उसी आधार पर जो है वो फाइनल सिलेक्शन होनी है। आपको बता दें कि छठी जेपीएससी परीक्षा के बाद पीटी का रिजल्ट जारी किया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पीटी के रिजल्ट में अनियमितता हुई है, इसलिए रिजल्ट को निरस्त कर दिया जाए। रिजल्ट को निरस्त करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। मामला सदन में बजट सत्र के दौरान भी उठा। इस पर शुरू से ही विपक्ष ने दबाव बना रखा है। मैं कोर्ट में इंटरवेनर बन करके उस पर निर्णय ले सकती थी अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये यहाँ के आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है अध्यक्ष महोदय, और फिर ये गोल गोल सवाल जवाब आ गया अध्यक्ष महोदय। गंभीरता क्या है अध्यक्ष महोदय, 2015 का सवाल आज भी आ रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय तो आसन क्या करे, आसन क्या करे, आप डायरेक्शन दे सकते हैं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय आप सरकार को निर्देश दे सकते हैं अध्यक्ष महोदय। ये सब सब विषय का निपटारा अगर हाउस में हो जाए, आसन तो छोड़ दिया तब तो बड़ा विचित्र स्थिति है, ऐसा ऐसा नहीं। इधर मेंस की परीक्षा की तैयारी में लगे परीक्षार्थी पसोपेश में हैं। परीक्षा जो है वो स्थगित हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि क्वेश्चन लीक हो गया है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि पहले परीक्षा स्थगित हो जाए। ये मामला इतना गंभीर है कि इस तरह का गड़बड़ी पाया गया है, ये सरकार ने भी स्वीकार कर लिया कल जगजीत सिंह का ट्रांसफर करके कि जेपीएससी में भ्रष्टाचार चल रहा है और उनके बेटा खुद ही परीक्षा दे रहे हैं। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद तीन बार परीक्षा फल को संशोधित किया गया। ऐसे में पहले के नियमों में बदलाव होने से कई छात्रों का भविष्य लटक गया है। याचिका पर शुक्रवार को ही फैसला संभव है। कामरान के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। झारखंड सरकार ने 1857 में झारखंड में शहीदों की भी प्रतिमाएं बिरसा मुंडा जेल परिसर में अब लगेंगी। इसकी घोषणा सीएम रघुवर दास ने पदयात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए की है। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जहां से भगवान बिरसा मुंडा समेत अन्य सेनानियों के जन्मस्थल की मिट्टी रांची पहुंचाई गई। भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के आदिवासी समाज के लिए भगवान है। उनकी शहादत को अब से पहले इतना बड़ा सम्मान नहीं मिला था। 50,000 से ज्यादा लोग बिरसा की भव्य मूर्ति के लिए अपना योगदान देने पहुंचे। इनमें कई महिलाएं अपने मासूम बच्चों को भी गोद में लिए पहुंची। बिरसा के साथ अन्य सेनानियों को भी सम्मान देने की पहल रघुवर सरकार ने की, लेकिन इसका श्रेय रघुवर दास ने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 करोड़ रुपए दिए हैं और यह कार्यक्रम सरकार जन सहयोग के साथ लेकर तैयारी कर रही है। मैं सभी ग्राम प्रधान, मानकी मुंडा सामाजिक एवं आदिवासी परंपरागत मानने वाले लोग, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई।
महापुरुषों के जन्म स्थल से इकट्ठा की गई मिट्टी पवित्र कलश में भरकर भव्य शोभा यात्रा के जरिए बिरसा जेल पहुंचाई गई। इससे पहले मोरहाबादी मैदान के ऐतिहासिक क्षण पर सीएम रघुवर दास ने कहा कि 1857 के शहीदों को भी सरकार सम्मान देगी। आज ये घोषणा करते हैं कि 1857 के महायुद्ध में जो भी झारखंड के वीर सपूत, चाहे शहीद अमानत अली हो, चाहे सलामत अली हो, या सूबेदार जयमंगल पांडे हो, ठाकुर विश्वनाथ जी हो, पंडित गणपत राय हो, उमराव सिंह हो, शेख भिखारी हो, गासी सिंह हो, जगू दीवान हो, जो हमारे 1857 के शहीदों का भी मूर्ति स्मारक उस भगवान बिरसा मुंडा के कैंपस में लगाई आएगी। आदिवासी समाज अपनी माटी और संस्कृति को अपना पुरोधा मानता है। रघुवर दास ने कहा कि आदिवासियों के नाम पर राजनीतिक पार्टियां सियासत करती रही हैं, लेकिन उन्हें सम्मान देने की कोशिश के बाद बंटवारे को लेकर ज्यादा सक्रिय हो गई हैं, यानी तीर विपक्ष की तरफ था। लेकिन आज भी समाज को तोड़ने वाली शक्तियां पुरुष से ज्यादा सक्रिय हो गई है। ऐसे समय में हम अपनी झारखंड की संस्कृति, भारत बिरसा मुंडा की, सिद्धू कानू ने जो संस्कृति के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उस संस्कृति को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी। पदयात्रा के बाद मिट्टी जेल को सुपुर्द की गई। सीएम ने लोगों को सावधान किया कि उनकी संस्कृति पर हमला करने वाले भी आज कम नहीं है, क्योंकि मौसम चुनावी है। आने वाले समय में आंख कान खोल के रखिएगा, चुनाव का मौसम आ रहा है। आज तक चाहे वो दिल्ली की राष्ट्रीय पार्टी की राजनीति करने वाली कांग्रेस हो, चाहे वो झारखंड नामधारी पार्टियां, देश के हर राज्यों में जो हमारे इतिहास के पन्नों में कांग्रेसी सरकार ने मिटा दी थी, वो इतिहास को फिर लिखने का गढ़ने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इससे पहले सीएम रघुवर दास ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और स्कूली बच्चों से मुलाकात की। बच्चों को सीएम ने दुलार दिया और भारत के भविष्य का हौसला बढ़ाया। मदन के साथ चंदन, जी मीडिया, रांची। गांधी परिवार की नई सदस्य प्रियंका वाड्रा की सियासत में औपचारिक एंट्री हो चुकी है। प्रियंका को कांग्रेस महासचिव बनाने का ऐलान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी चिट्ठी में किया गया है। प्रियंका अब कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनावों में पूर्वी यूपी की कमान संभालेंगे। इस फैसले से कांग्रेस समर्थक जहां जोश में है, वहीं बीजेपी के लिए प्रियंका की औपचारिक एंट्री राहुल की नाकामी का कबूलनामा है। प्रियंका की औपचारिक पारी, कांग्रेस को मिलेगा समर्थन भारी। आखिरकार प्रियंका गांधी की सियासी जगत में औपचारिक पारी शुरू हो ही गई। वैसे तो प्रियंका हमेशा से पर्दे के पीछे सक्रिय रही हैं, रणनीति से लेकर चुनाव प्रचार तक अहम भूमिका निभा चुकी हैं। लंबे समय से अपने परिवार के परंपरागत रायबरेली और अमेठी सीटों पर वो खासी सक्रिय रही हैं, और अब यूपी में पार्टी महासचिव का पद मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। वैसे भी प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कांग्रेस में कई बार उठ चुकी है, और अब राहुल गांधी के फैसले से कांग्रेस को नई संजीवनी मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है, और चाहे प्रियंका हो, चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं, और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। प्रियंका को बीजेपी के गढ़ पूर्वी यूपी में पार्टी को मजबूत करने की कमान सौंपी गई है। प्रभारी महासचिव के तौर पर वो फरवरी के पहले हफ्ते में कमान संभाल लेंगी, लेकिन कांग्रेस के इस कदम से विरोधी हमलावर हैं। बीजेपी के मुताबिक राहुल फेल हो गए हैं, इसलिए प्रियंका को सामने लाया गया है। श्रीमती प्रियंका गांधी के आने से कहीं भारतीय जनता पार्टी के सेहत पे थोड़ा भी असर नहीं पड़ने वाला। तरह तरह का विषय लेकर के, तरह तरह के लोगों को या कमेटी में जगह देकर के वो अपना किस तरह आने वाले समय में यहाँ संघर्ष करे, अभी संघर्ष किस स्थिति में है वो लोग।
प्रियंका की अक्सर दादी इंदिरा गांधी से तुलना की जाती है और उनकी इस छवि का इस्तेमाल कांग्रेस लोकसभा चुनाव में करना चाहती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका के जरिए यूपी में उसका खोया हुआ जनाधार वापस मिलेगा। चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। यहां रुक रहे, एक छोटी सी ब्रेक ले, जब लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।